नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके एक बार फिर से हमारे चैनल निक्की एसोसिएट्स पर। और आज मैं आपके लाया हूँ एक 30 गज का इंडिपेंडेंट हाउस। अगर इस हाउस के फीचर्स की बात करूँ तो मेट्रो से सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर ये रहने वाला है। 20 फीट की चौड़ाई वाली रोड आपको यहाँ पर मिलने वाली है और काफी अच्छा ये हमने बनाया, एकदम लग्जरी पैटर्न में, 4 सीलिंग वेट्रीफाइड टाइल्स और काफी सुंदर ये बना के दिया है। 85% तक आप इस पे लोन करवा सकते हैं बिना किसी देरी के। आइए स्टार्ट करते हैं इसकी वीडियो। तो जैसे कि साथियों आप देख सकते हैं, हम आ चुके हैं अपने मकान की फ्रंट रोड पर। 20 फीट की आपको यहाँ पर रोड मिलने वाली है और रोड भी ऐसी कि दोनों साइड ओपन आपकी रहने वाली है। आप यहाँ से भी मेट्रो के लिए जा सकते हैं और यहाँ से भी मेट्रो के लिए जा सकते हैं। फ्रंट एलिवेशन आप देख सकते हैं, टाइलों का काफी सुंदर वर्क यहाँ पर किया हुआ है और मीटर यहाँ पर पहले से ही इंस्टॉल्ड है। और आप देख सकते हैं रोड से भी काफ़ी उठा के बना रखा है कि आपको फ्यूचर में कभी भी दिक्कत ना आए। और यहाँ पे आपकी बाइक चढ़ाने के लिए एक डिवाइडर भी यहाँ पे हमने बना रखा है और खाना पीना खा के आप अपना रात को यहाँ पर बैठ भी सकते हैं और गप्पे भी लड़ा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पर एक हैवी सा आयरन डोर देखने को मिल जाता है। आइए, एंटर होते ही आपको इतनी जगह तो यहाँ पर मिलने वाली है कि अपनी एक बाइक आप इजीली यहाँ पर खड़ी कर सकते हैं और कार वगैरह है तो आप अपने घर के बाहर खड़ी कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। यहाँ पर भी आपको मोटर वगैरह रखने का आपका अच्छा खासा स्पेस यहाँ पर मिल जाता है। जो दिल्ली जल बोर्ड की मोटर है वो आप यहाँ पर रख सकते हो, मीठे पानी वाली। और यहाँ पर आपको स्टेयर्स का एरिया मिल जाता है। यहाँ पर अभी SS की ग्रिल लगना बाकी है, वो सब हम आपको लगा के देंगे जब आप इसको परचेज कर लेंगे। जैसे कि मैंने बताया, मीटर वगैरह पहले से ही लगा हुआ है। और यहाँ पर आपको एक वॉशरूम मिलने वाला है, आप देख सकते हैं एंड टू एंड तक टाइल्स भी इसमें प्रॉपर तरीके से लगी हुई है और काफ़ी अच्छा स्पेस है इस वॉशरूम का। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आपको हम इंग्लिश सीट यहाँ पर लगा कर देने वाले हैं। शावर एरिया आपका यहाँ पर रहने वाला है। टैब जो हम जो भी यूज़ करेंगे सारी ब्रांडेड यहाँ पर करने वाले हैं। वेट्रीफाइड टाइल्स की फ्लोरिंग हमने आपको यहाँ पर दी है। और यहाँ पर आपको किचन मिलने वाली है आपकी, आप देख सकते हैं एल टाइप में काफ़ी स्पेसियस किचन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आप सरमाइका का कलर कॉम्बिनेशन भी देख सकते हैं। और अगर मैं स्पेस की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा स्पेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आपको RO सेक्शन आपका देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आप अपना RO जो है ईजिली लगा सकते हैं। और यहाँ पर हम आपको चिमनी जो है लगा कर देने वाले हैं और साइड स्पेस भी हमने आपको दिया है आपके डब्बों के लिए, आप देख सकते हैं। और काफ़ी सुंदर और अच्छे स्पेस के साथ आपको ये किचन हम बनाकर देने वाले हैं। टाइल्स का काम भी प्रॉपर तरीके से हमने यहाँ पर कर रखा है और नीचे भी आपको स्पेस यहाँ पर देखने को मिल जाता है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपकी दो रैक्स आने वाले हैं, आप देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं 4 सीलिंग का थोड़ा सा पार्ट हमने यहाँ पर भी कर रखा है और जो आपकी चिमनी रहेगी उसका एग्जॉस्ट वहाँ पे हमने दिया है। और आइए, एंटर करते ही आपको यहाँ पर एक बेडरूम देखने को मिल जाता है, आप देख सकते हैं बेडरूम कितना स्पेसियस है। अगर मैं इसकी डायमेंशन की बात करूँ तो 14x14x8 का ये रूम रहने वाला है। काफ़ी अच्छा और बड़ा स्पेसियस रूम आपको ये मिलने वाला है। साथ में आप देख सकते हैं 4 सीलिंग का कितना अच्छा वर्क यहाँ पर हो रखा है, आप देख सकते हैं। सब कोब लाइट, फोग लाइट सब कुछ लग रखी है इस 4 सीलिंग में भी। और आप देख सकते हैं आपको कितना अच्छा वॉलपेपर हमने यहाँ पर लगा कर दिया है, आप देख सकते हैं। और साथ में स्प्लिट AC की फिटिंग भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और सामने की तरफ अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पर LED पैनल भी हमने आपको लगा कर दिया है। इस बार आप देख सकते हैं यहाँ पर आप अपना 44 इंच तक का आराम से LED लगा सकते हैं और काफ़ी अच्छा स्पेस में आपको ये नीचे का जो बेडरूम है वो मिलने वाला है। यहाँ पर भी वेट्रीफाइड टाइल्स की फ्लोरिंग हो रखी है, आप देख सकते हैं। वेंटिलेशन के लिए आपके यहाँ पर जाल का पार्ट मिल जाता है कि आपको घुमस वगैरह किसी भी प्रकार के यहाँ पर ना हो। आइए चलते हैं ऊपर और ऊपर से भी आपको दिखा देते हैं पूरा का पूरा मकान। तो आपको यहाँ पर जीने का जो साइज़ है वो भी ठीक ठाक यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो आ चुके हम अपने फर्स्ट फ्लोर पर। जैसे कि मैंने कहा कि 2 मंजिल हम ये मकान आपको बनाकर देने वाले हैं। ऊपर में एंटर करते के साथ आप या फिर इसको लिविंग एरिया बना सकते हैं अपना, या फिर अपना बेडरूम बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा स्पेस आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है और 4 सीलिंग वगैरह प्रॉपर तरीके से यहाँ पर हो रखी है। और वॉलपेपर आप देख सकते हैं कितना सुंदर वॉलपेपर हमने यहाँ पर आपको लगा कर दिया है पूरी की पूरी वॉल पर। आइए, यहाँ पर एंटर होते ही आपको एक दूसरा बेडरूम यहाँ पर देखने को मिल जाता है, आप देख सकते हैं। इसकी भी डायमेंशन काफ़ी अच्छी रहने वाली है,
काफी अच्छा साइज रहने वाला है इस बेडरूम का भी, और फोर सीलिंग प्रॉपर तरीके से इसमें भी हो रखी है। जैसे कि आपने देखा होगा अलग अलग पैटर्न में यहाँ पर जो फोर सीलिंग हमने कर रखी है इस मकान को और यूनिक बनाने के लिए। और आपने देखा जैसे कि लाइट वगैरह हर सब कुछ चेंज है हर किसी फोर सीलिंग में, जैसे नीचे की में कुछ और थी, यहाँ पर ब्लू और ग्रीन कलर है, तो सब कुछ चेंज है। काफी लग्जरी बनाने की कोशिश करी है इस मकान को, और वॉलपेपर आप देख सकते हैं कितना सिंपल और लग्जरी वॉलपेपर यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ पर भी आपको स्प्लिट एसी की फिटिंग जो है मिलने वाली है। ये जो पूरा मकान है लेंटर पर बना हुआ है, पिलरों पर बना हुआ है। आइए मैं आपको इसकी रूफ भी दिखा देता हूँ, आइए चलते हैं रूफ की तरफ। और रूफ से पहले यहाँ पर आपको एक वॉशरूम भी मिलने वाला है, आप वो भी देख लीजिए। बालकनी पे आपको ये वॉशरूम मिलने वाला है, आप देख सकते हैं इसका भी स्पेस कितना अच्छा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। एंड टू एंड तक टाइल्स लगा रखे जिससे आपको सीलन की समस्या बिल्कुल ना आए। आप देख सकते हैं टैप वगैरह जो भी हम लगाएंगे वो ब्रांडेड लगाने वाले हैं। शावर एरिया भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर हम आपको SS की ग्रिल लगा के देंगे प्रॉपर तरीके से। आइए चलते हैं छत पर, आपको छत भी दिखा देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक आयरन का डोर जो है देखने को मिल जाता है, और आ चुके हम अपनी रूफ पर। आप देख सकते हैं रूफ भी आपको काफी स्पेसियस यहाँ पर देखने को मिल जाती है। यहाँ पर जो आपके आउटर यूनिट है इसी की, वो यहाँ पर आपकी लगने वाली है। जो दिक्कतें आती है आपको डिश लगाने की, तो यहाँ पर डिश की तार भी हमने इनबिल्ट निकाल रखी है। आपको नीचे अपने सेटअप बॉक्स लगाना है और ऊपर सिर्फ, और आपकी जो नेट वगैरह की वायरिंग है वो भी आप इसमें से इजीली ले जा सकते हैं, कोई समस्या नहीं आने वाली। लेंटर पर ये बना हुआ मकान है मेरा, आप देख सकते हैं 30 गज का ही रहने वाला है। 500 लीटर की टैंक मैं आपको यहाँ पर लगाकर देने वाला हूँ। आपको एक बार एरिया दिखा देता हूँ, एक बार ये एरिया दिखा दीजिए कितना शांत एरिया इसका रहने वाला है। और अगर फ्यूचर में आप बनाना चाहें तो वैसे का वैसे ही आप बना सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक टैब आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आप अपनी वॉशिंग मशीन वगैरह जो रखनी है आप रख सकते हैं। यहाँ पर भी हम आपको SS की ग्रिल जो है लगाकर देने वाले हैं। तो ये था मेरा 30 गज का मकान, आपको इसकी पूरी डिटेल में आइए नीचे दे देता हूँ। तो कैसा लगा साथियों आपको मेरे 30 गज का जड़ से बना हुआ मकान? आशा करता हूँ आपसे काफी पसंद आया होगा। अगर इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो 29.5 लाख में आपको ये मिलने वाला है। काफी अच्छी लोकेशन पे रहने वाला है, जैसे कि आपने देखा 20 फीट की इसकी वाइल्ड रोड आपके रहने वाली है, मेट्रो से सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर ये रहने वाला है। और इतना अच्छा मकान आपको इतनी कम कीमत पे यहाँ पर मिल रहा है, तो आपको और क्या चाहिए। LED TV हमारी तरफ से 32 इंच का आपको गिफ्ट मिलने वाला है हमारी तरफ से, और फैन वगैरह हम आपको इसके अंदर लगाकर देने वाले हैं एज अ गिफ्ट। तो जल्दी आओ और जल्दी इस मकान को 21,000 रुपये में बुक कर जाओ। 85% तक आप इस पर फंडिंग करा सकते हैं। ऐसी वीडियोस देखने के लिए बने रहे निक्की एसोसिएट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दें मुझे, नमस्कार।